Today we are going to learn something about rational number and irrational number. So first of all, we should know what is rational number and what is irrational number. So we have to come across definition of rational and irrational number. हम लोग ये जानेंगे कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होता क्या है. देन वी विल कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे एडिशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, और मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है. तो पहले हम लोग ये जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर है क्या, अच्छे से अगर आप जान लेंगे तो हम लोग पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. तो रैशनल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन जानना है, और ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो प्रीवियस क्लासेस में आप जानते हैं ये नंबर लाइन है, दिस इज नंबर लाइन. एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर शोन ऑन अ नंबर लाइन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, these are positive integers. And all negative numbers, that is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, all these are negative integers. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि what is zero? Zero क्या है? तो zero ना तो positive integer है, ना ही negative integers है. इन सबको अगर हम combine कर लेते हैं, that is positive integers, negative integers plus zero, total मिलकर के क्या हो जाता है, ये हो जाता है integers. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, integers. तो ये सब integers हैं जिसको हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं number line. और इसी से हम लोग derive करेंगे कि इसमें से rational number कौन सा है और irrational number कौन सा है. तो पहले तो हम लोग distinguish करते हैं. First of all, we should distinguish about rational and irrational number. कि हम किस नंबर को लें, ये रैशनल है, किस नंबर को लें, इरेशनल है. तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे. तो पहले आता है देखिए जो पार्ट है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर है क्या, क्या कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे विच नंबर इज rational और which number is irrational. अब definition से सारी चीजें clear हो जाएंगी आपके लिए. definition क्या कहती है, definition ये define करती है कि दो properties होती हैं. इसके rational number को define करने के लिए हमें दो properties को देखना पड़ेगा. properties कौन सी होंगी, पहली property it should be written in the form p by q. And what is p by q? P and q should be integers. Integers का symbol हमको z से भी represent करते हैं, i से represent होता है. तो p and q should be integers, या आप सिंपल वे में कह सकते हैं रैशनल नंबर, या जो है आपके ये रैशनल नंबर हो गया जो पॉजिटिव है, या हो गया जो है आपके नेगेटिव इंटीजर्स जिसको नेगेटिव जो है आपके रैशनल नंबर कह सकते हैं, और जीरो. तो नॉर्मली क्या है कि हम लोग इसको रैशनल नंबर बोल तो देते हैं क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं नेचर में, जबकि एक्चुअल में इसका नाम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. एक्चुअल में इसका नाम क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स. हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे बल्कि पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये सब रैशनल नंबर हो गया, और जीरो अगर हमने इसमें मिला दिया, दिस बिकम्स होल नंबर. ये सारे नंबर्स को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर. और जीरो को भी अगर हमने इंक्लूड कर दिया इन सभी नंबरों में, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर. Whole number starts from 0 and natural number starts from 1. ये है आपके पास
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म p by q, और p और q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए एक एक चीज हम लोग ट्राई करते हैं कि कौन से, किसको हम रैशनल नंबर कहेंगे और किसको इरेशनल नंबर कहेंगे। सारे वो नंबर इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब में रैशनल नंबर कौन होगा और कौन से इरेशनल नंबरों के आइडेंटिफाई करना है, हमें इसको देखना पड़ेगा हमेशा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इन सब पॉजिटिव नंबर्स को लें, कोई भी एक नंबर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, और हम ये देखें कि ये नंबर क्या है, रैशनल है या इरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 5, हम ये सारे नंबर्स को देख रहे हैं, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल होते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, पहले हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, क्या हम इस नंबर को p by q के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, जब कोई भी चीज इस तरह से लिखी जाती है इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये पार्ट क्या होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो क्या हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इसे हम लिखेंगे 5/1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए p by q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, अब इसकी आगे प्रॉपर्टी देखिए, p एंड q बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, belongs to मतलब कहाँ से आया है, belongs to integers। तो integer में p और q इस integer में है या नहीं है, अब देखिए 5 इस integer में है या नहीं है, है, तो p is integer। अब देखिए q की जगह क्या आ रहा है, that is 1, q की जगह अगर 1 आ रहा है तो ये कहेंगे, अब ये पूछेंगे क्या q integer है, तो क्या q इंटीजर में कहीं दिख रहा है, दैट इज 1 कहीं में दिख रहा है, ये दिख रहा है, पहली प्रॉपर्टी सही होगी, सैटिस्फाई करेगी, क्यों, क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5/1, 5 इज इक्वल टू p एंड 1 इज इक्वल टू q, तो p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं, और p और q दोनों वैल्यूज कहां पे हैं, इंटीजर्स में, इसलिए 5 क्या है, पहली प्रॉपर्टी को निभा रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 है नहीं है, q दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसके मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी भी सही है, क्योंकि इसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है, जो इन दो प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई कर देगा वो रैशनल नंबर होगा, जो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ये दूसरा जो कंडीशन है वो क्यों चेक करते हैं, क्यों शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए कि अगर हम सपोज कर लीजिए 5/0 लिखें, तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिफाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्या हो जाएगा, बस इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम लोगों के सोचने से आगे निकल जाएगी, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, उसी को हम कहते हैं टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफिनिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि कोई डिफाइन कर पाया आज का इसको, जीरो से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे बस वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और हम क्या चाहते हैं कि हमारी डेफिनेशन अनडिफाइंड रहे, हम तो डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी डेफिनेशन अनडिफाइंड रहे, नहीं चाहेंगे कभी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो बार बार हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज को जो कि निकाल लें, तो अब देखिए हमने एग्जांपल क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर का 5 एग्जांपल हमने लिया था, इसके मतलब
ये शो कर रहा है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। अब आ जाइए दूसरा नेक्स्ट किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को लें, कोई भी नेगेटिव इंटीजर जैसे फॉर एग्जांपल -12 सपोज कर लीजिए। अब इसको हमें देखना है कि वेदर दिस नंबर इज रैशनल और इरैशनल, रैशनल है या इरैशनल है। तो फिर देखिए रैशनल की डेफिनेशन क्या है, ये है डेफिनेशन, रैशनल की डेफिनेशन ये है, तो हम इसी से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। क्या -12 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। -12 जो हो गया ये वैल्यू हो गई p की, 1 वैल्यू हो गई q की, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं p by q के फॉर्म में। अब आगे बढ़िए, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, p और q ये वैल्यू इंटीजर्स में आनी चाहिए, तो क्या -12 को कहीं पर मिलेगा आगे चलकर के? बिल्कुल मिलेगा, -5 के बाद -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा, -9 आएगा, -10 आएगा, -11 आएगा, -12 आ जाएगा, तो इंटीजर्स को मिलेगा, इसलिए p नेगेटिव इंटीजर है, तो p जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब q को चेक कर लें, q की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, वन क्या इस इंटीजर्स में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वन क्यों आ रहा है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू वन, इसका मतलब कि क्यू वैल्यू जो है वो क्या हो गई, वो एक इंटीजर हो गई। तो अब यहां पर क्या है, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, तो पी बाय क्यू के फॉर्म में इस नंबर को हम लिख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स को। अब सेकेंड कंडीशन देखें, क्या q की वैल्यू 0 के बराबर है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए ऐसे लिखा जाएगा, नहीं होनी चाहिए not equals to 0 मतलब ये सिंपल, तो q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा है, क्या q की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं नहीं है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई होता है। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज डिफाइंड हो रही हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज ये क्लियर हो गई हैं, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो जितने नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -100 -200 -300, तो जितने भी आपके नंबर होते चले जाएंगे अप टू -infinite, वो सब क्या हो जाएंगे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे, इसके मतलब ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर आइए नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या चेक कर लिया, हम लोगों ने सारे पॉजिटिव नंबर्स को देख लिया, सारे पॉजिटिव नंबर रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं, दैट इज रैशनल, सारे नेगेटिव नंबर्स को देख लिया, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं। अब हम लोग आ जाए ना जीरो, जीरो को भी चेक कर लें, क्या जीरो रैशनल है, अगर रैशनल है तो ये दो चीज को सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, p by q के फॉर्म में इसको लिखा जाना चाहिए और p और q बिलोंग्स टू z होना चाहिए, दैट इज इंटीजर्स होना चाहिए। तो अब जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, किसी भी नंबर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो रेजिडेंस रहेगा, तो इसलिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब कि हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, p by q के फॉर्म में। अब p by q के फॉर्म में अगर हमने लिखा तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई जो है आपके p की और ये हो गई q की, p equals to 0। अब देखिए क्या p इंटीजर है, क्या इस ऊपर लाइन में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा हमने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो मिलकर के इन सब को इंटीजर्स कहा जाता है। तो क्या ये इंटीजर है, जीरो है, इसलिए p इंटीजर है, q की वैल्यू 1 है, क्या 1 इंटीजर
इंटीजर है, है, इसके मतलब p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो p और q belongs to इंटीजर्स, तो इसके मतलब p और q दोनों जो हैं आपके आपके इंटीजर्स हैं और p by q के फॉर्म में तो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इसको लिखा जा सकता है, इसके मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या हुई सेटिस्फाई करना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, q should not be equal to 0. तो अब q की वैल्यू यदि 0 नहीं होनी चाहिए तो हम जब चेक करेंगे क्या q की वैल्यू 0 है, नहीं है, q की वैल्यू यदि 0 नहीं है इसलिए q should not be equal to 0, इसलिए ये सैटिस्फाई करता है, q की वैल्यू 0 नहीं है, जब दोनों प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई कराए दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। तो अब ये भी सकते हैं इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपके रैशनल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि जो है हम लोग नंबर्स को चेक कर रहे हैं whether it is rational or irrational, और rational की डेफिनेशन क्या है, जितने भी नंबर्स हैं all numbers that can be written in the form of p by q and p and q should belong to integers and q should not be equal to 0, that number will be rational। अब आइए देखिए हम लोग ने नंबर लाइन के सभी नंबरों को चेक कर लिया, पॉजिटिव नंबर्स को भी, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी, नेगेटिव इंटीजर्स को भी और जीरो, ये सारे चेक हो गए रैशनल है या नहीं। अब बात ये आती है कि क्या यही नंबर हैं, और भी तो नंबर हम लोगों के सामने आते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में ढेर सारे नंबर होते हैं, जैसे 2.7 लिखते हैं, 2.35 लिखते हैं, 2.893 लिखते हैं, तो ये सब नंबर क्या हैं, दीस नंबर आर बिटवीन 2 एंड 3, इन नंबर्स को भी हम लोग देखते हैं, तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर शो नहीं हो रहे हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल्स हैं। तो अब हम लोग चेक कर लें डेसिमल्स को भी, तो डेसिमल्स क्या है, जो ऐसे नंबर जो कि आपके इन इंटीजर्स के बीच में आते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स आपके हो जाते हैं डेसिमल। तो डेसिमल कहां हो सकते हैं, इन पॉजिटिव नंबर के बीच में भी हो सकते हैं और इन नेगेटिव नंबर के बीच में भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर के बीच में है जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल -3 और -4 के बीच में अगर है और यहां पे अगर वैल्यू होगी तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगी -3.7 -3.78 -3.25, तो इस तरह के नंबर होंगे, ये क्या है -3 और -4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर्स पॉजिटिव नंबर के बीच में भी आ सकते हैं डेसिमल और नेगेटिव नंबर के बीच में भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो रैशनल है या नहीं है, इन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स हैं वो इरैशनल है या नहीं। अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम पॉजिटिव डेसिमल को लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 7.6 डेसिमल या नहीं या और जो है बड़ा कर सकते हैं इसको 7.63 कर, तो अब इसको हम फिर से देखें रैशनल है या नहीं है और ये दोनों प्रॉपर्टीज को फिर से चेक करें, तो क्या हम इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने देखिए प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेसिमल को कैसे हटाते हैं, अगर हम डेसिमल को दो प्लेसेस आगे ले जाए तो हमें दो जीरो से डिवाइड करना होगा, दैट इज 100 से डिवाइड करना होगा, तो अगर हम दो प्लेसेस आगे ले जाएं तो ये नंबर कितना बन जाएगा 763, और क्योंकि दो प्लेसेस हम आगे ले हैं इसलिए दो जीरो से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हो गई p की, ये वैल्यू हो गई q की, अब ये देखें वैल्यू क्या इंटीजर्स है, तो p और q की वैल्यू इंटीजर्स है, क्योंकि ये इस नंबर लाइन पर मिलेंगे, आगे चलकर के 100 भी मिलेगा, आगे चलकर के 763 भी मिलेगा, इसके मतलब दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और p by q दोनों वैल्यूज इंटीजर्स हैं, इसके मतलब पहली प्रॉपर्टी को ये सैटिस्फाई कर रहा है। Come to the second property.
अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो q की वैल्यू देखिए क्या 0 है, नहीं है, इसके मतलब इसको भी सैटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सैटिस्फाई कर रहा है। इसके मतलब क्या हुआ, जितने पॉजिटिव डेसिमल्स होते हैं पॉजिटिव के लिए, चाहे आप पॉजिटिव साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, ये अंडरस्टूड होता है ये पॉजिटिव है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव जो है डेसिमल्स होते हैं सॉरी, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, रैशनल। रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन आ गया, पॉजिटिव डेसिमल्स, ये दिया है, ये पॉजिटिव डेसिमल्स भी आ गए। अब नेगेटिव डेसिमल्स भी देखिए, अगर यही चीज माइनस होता तो ये नेगेटिव डेसिमल हो जाता, इसके मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 7 और माइनस 7 और माइनस 8 के बीच की वैल्यू है, हमारे 7 माइनस 8 के बीच की वैल्यू के लिए, और ये जो है आपके नेगेटिव डेसिमल कहलाता है, नेगेटिव डेसिमल को भी चेक करना है। तो नेगेटिव इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ भी दो जो है डेसिमल हम आगे ले जाएंगे, इस डेसिमल को अगर हम दो प्लेस आगे ले गए तो हमें दो जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 100, तो ये वैल्यू होगी, और प्लस जो नेगेटिव साइन लगी है वो लगा रहे। अब देखिए माइनस 7.63 को क्या हम p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ये p की वैल्यू है ये q की वैल्यू। अब देख लीजिए p एंड q शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, तो क्या p की वैल्यू माइनस 7.63 ये इंटीजर्स में आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आगे चल करके माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 तो आगे चल करके माइनस 7.63 भी आएगा, इसलिए p इंटीजर है, तो p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब q के लिए देखें क्या q इंटीजर है, तो आगे चलकर के 100 भी आएगा, और अगर 100 आएगा दैट मींस कि 100 जो है आपके ये q जो है वो भी इंटीजर है, इसके मतलब कि इसने पहली जो है कंडीशन को सैटिस्फाई कर दिया, तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सैटिस्फाई हो गई। कम टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहां पर देखिए क्या q की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो q की वैल्यू 0 नहीं, इसलिए q 0 नहीं, इसलिए दूसरी कंडीशन को भी ये निभा रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आपके हो गई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आपके हो गई आपके दोनों कंडीशंस की जो प्रॉपर्टीज निभा रहा है, इसलिए क्या हो गई, ये आपके एक तरह से हो गई रैशनल। तो जितने नेगेटिव डेसिमल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी जो है आपके एक तरह से रैशनल नंबर की कैटेगरी के में ही आ गए। तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर क्या क्या हो गया, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो हो गया, प्लस पॉजिटिविटी जो है डेसिमल्स हो गए, नेगेटिव डेसिमल्स हो गए। अब क्या चेक करें, अब चेक करते हैं हम लोग जो लास्ट हम लोगों को चेक करना है वो रूट वाली वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हमने कहा रूट 25 क्या रैशनल है या नहीं, तो अंडर रूट अगर लगा होता है किसी भी वैल्यू पे तो वो रैशनल है या इन रैशनल है, ये आपको चेक करना है, रैशनल पर है या इन रैशनल पर। तो हम यहां पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखें क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 5। कैसे 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 into 5, और 5 का एक पेयर निकल बन जाता है जो बाहर निकल जाता है, क्या बन गया 5। इसके मतलब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 5 into +5 भी कर सकते हैं, और चाहे तो -5 into -5 भी कर दीजिए तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 के बराबर ही रहेगा। अब ये बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों वैल्यूज होती हैं, प्लस 5 भी होती है और माइनस 5 भी होती है, इसलिए चाहे आप इसको प्लस 5 लिखिए और चाहे इसको माइनस 5 लिखिए, और दोनों ही हम प्रूफ कर चुके हैं पहले कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसका मतलब कि रूट
25 is positive integer, a positive integer is rational number. अगर ये rational number है, इसको ये क्या हो गया? ये rational number हो गया। जितने negative integers हैं, ये भी हम proof कर चुके हैं कि negative integers are rational number, इसलिए -5 भी क्या हो गया? Rational। और -5 किसकी value है? इसकी value है। इसको ये भी क्या हो गया? Rational। तो all perfect square किसको कहेंगे? If 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, and so on. ये सब क्या है? ये perfect square. इसके बाद अगर हम root 4 लिखेंगे, तो इसकी value कितनी आएगी? 2. अगर हम root 9 लिखेंगे, तो root 9 की value क्या हो जाएगी? That is 3. ये 3 आ गया. Root 16 अगर हम लिखेंगे, तो इसकी value क्या आएगी? That is 4. Plus minus 4. ये सब plus minus में है. अगर हम root की value लगा, इनको perfect square कहते हैं. तो perfect square का मतलब ये हुआ कि जैसे rational number में root under root 16, under root 49, under root 64, under root 100, ये सारे वैल्यू. तो under root 16 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4. और प्लस माइनस दोनों ही हमने प्रूफ कर दिया है, इंटीजर होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? रैशनल. इसी तरह से under root 49, under root 49 means plus minus 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 7. तो प्लस माइनस 7 means रैशनल. ये भी होगा under root 64, under root 64 is plus minus 8, तो plus minus 8 है, इसलिए क्या हो गया? रैशनल हो गया, क्योंकि positive number, negative number दोनों रैशनल है. फिर इसके बाद under root 100, under root 100 की बात अगर हम करेंगे, तो क्या वैल्यू है? फिर वही चीज आती है कि प्लस माइनस 10 हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों क्या है? इरेशनल. लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ये ना हो, 64 ना हो करके कोई और नंबर हो जाए जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जैसे इसी 25 को अगर हम लिख दें 24, तो अब 24 का सलूशन कैसे कर सकते हैं? देखिए 24 कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज करें, छोटे-छोटे प्राइम फैक्टर्स पे को 2 12 टाइम्स 24, फिर 2 6 टाइम्स 12, फिर 2 से ज्यादा है 2 3 टाइम्स 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 टाइम्स 3. तो 24 को क्या सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 1. इसलिए हमने क्या लिखा? अंडर रूट 2 into 2 into 2 into 3 ये वैल्यू. अब यहां पर क्या है? अब आप देखेंगे ये पेयर बन गया. जब ये पेयर बन गया तो बाहर निकल कर ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा. बाकी अंदर क्या बचा रह गया? 2 into 3, 2 into 3 means 6. ये वैल्यू क्या हो गई? 6. इसको हम ऐसे लिखते हैं. अब 6 बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम p by q के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं इसको. अब इसको अगर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि p by q के फॉर्म में अगर हमने वैल्यू को लिखा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में ये सारी वैल्यूज जो रहेंगी वो आपके एक तरह से आप प्रॉपर्टीज से चेक करते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है. तो ये वैल्यू हो गई p की, ये वैल्यू हो गई q की. अब ये वैल्यू क्या है? अब हम ये देखना पड़ेगा कि p belongs to integers है या नहीं है. तो 2 root 6 क्या इस नंबर लाइन पे आएगा? नहीं आएगा. तो p 2 root 6 is not an integer, तो integer नहीं है. इसके मतलब कि p belongs to z नहीं है, that means p does not belongs to integer. तो इसके मतलब जो पहली कंडीशन है उसी को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा. जब ये पहली कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसके मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है. जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरैशनल नंबर्स. इसलिए ऐसे कंडीशन में हमने क्या कहेंगे? ये नंबर क्या हो गया? इरैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि p by q के फॉर्म में हमने लिख तो दिया इसको, लेकिन p
does not belongs to z है, integer नहीं है p, इसलिए ऐसे condition में ये जो value है, वो क्या हो गई? वो आपके ये कहा जा सकता है कि value irrational हो गई, तो इसके मतलब ये value irrational है। तो irrational values, irrational numbers जो होंगे, वो क्या होंगे? एक बार हम यहाँ पर define करें तो irrational numbers को, वो सारे roots वाले numbers, वो सारे roots जो perfect square नहीं होते, जैसे two ले लीजिए, root two की value अगर आप निकालेंगे, तो decimal में आपके decimal के form में निकलती चली जाएगी, infinite तक जाएगी, फिर इसी तरह से जो है आपके root three है, root five है, root seven है, ये सब perfect square नहीं है, root 11 है, root 26 है, तो इस तरह की values क्या हैं? ये सब irrational number के अंदर रहता है, तो ये सब irrational number हैं, all these numbers are irrational numbers, तो क्यों? क्योंकि ये definition define नहीं कर पाता, और p की value हमेशा क्या हो जाती है? वो irrational हो जाती है, तो अब आप लोगों को एकदम clear हो गया होगा, कैसे हम irrational number को ढूंढते हैं? इसी property से ढूंढते हैं, इसके मतलब अब come to the conclusion, what is the conclusion? Conclusion क्या है? जितने positive numbers होते हैं वो सब क्या हैं? Rational. जितने negative number होते हैं वो सब क्या हैं? Rational. Zero क्या है? Rational number. इसी तरह से जितने positive decimals होते हैं जो इन numbers के बीच में आते हैं तो positive decimals सारे जितने होते हैं वो सब rational. इसी तरह से जितने negative decimals होते हैं वो भी हमने prove किया that is also negative decimals होते हैं वो सब क्या है rational numbers. फिर इसी तरह से perfect square की हमने बात किया ऐसे number जो perfect square होते हैं किसी के वो सब क्या हो जाएंगे rational लेकिन जो perfect square नहीं है root में वो सब क्या हो जाएंगे irrational number. अब देखिए जब आपको सारी चीजें clear हो गई rational irrational अब इस chapter में आता क्या है questions कैसे आते हैं number दे दिए जाए तो कहा जाएगा identify करिए कौन rational number है कौन irrational number है अब आपके लिए कितना easy हो गया देखिए दिमाग में क्या रखा हमने कंक्लूजन को रखा सारे पॉजिटिव नंबर्स रैशनल सारे नेगेटिव नंबर्स रैशनल जीरो रैशनल सारे डेसिमल पॉजिटिव रैशनल सारे नेगेटिव डेसिमल्स रैशनल नंबर सारे परफेक्ट स्क्वायर रैशनल और जहां जितने भी आपके इस तरह के नंबर होते हैं वो सब रैशनल रैशनल होते हैं अब देखिए हम तो क्वेश्चंस पे आने से पहले इसकी तीन प्रॉपर्टीज को देखते हैं बहुत सिंपल होता है बहुत सिंपल प्रॉपर्टी किसी भी दो राशि नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो भी रैशनली होता है जैसे फॉर एग्जांपल 2 बाय 3 ये फ्रैक्शन है रैशनल नंबर है p by q की फॉर्म में लिखा जाएगा p q दोनों इंटीजर्स हैं q 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ रैशनल इसके मतलब इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन हैं वो भी जो है आगे इसमें आएंगे रैशनल नंबर अब जैसे मान लीजिए कि यही पर हमने कहा 1 बाय 1 इसको ऐड करें ये भी रैशनल नंबर ये भी रैशनल नंबर दोनों का एडिशन है एडिशन में किया 3 5 का एलसीएम लिया 15 है 3 15 में कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 * 2 दैट इज 10 फिर देखिए 5 15 में कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 * 2 1 3 अब वैल्यू क्या हो गई ये 13 / 15 अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या हम लोग कह रहे हैं एडिशन दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा क्या मिलता है रैशनली नंबर मिलता है क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ p / q है ये वैल्यू हो गई p की ये वैल्यू हो गई q की p q दोनों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं है इसलिए क्या होगा रैशनल नंबर पहली ये है आपके प्रॉपर्टी होगी सबट्रैक्शन इफ वन रैशनल नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर the result will be rational number. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक rational number को minus करते हैं किसी दूसरे rational number से तो भी हमें जो result मिलता है वो भी rational ही होगा. Just for example, मान लीजिए suppose कर लीजिए 5 by 6 minus 2 by 4, 2 by 5. Suppose ये भी rational है, ये भी rational. एक rational number से दूसरे rational number को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या है
एलसीएम 30 हो गया, ये हो गया 6, 5 टाइम से आया इसमें, जिसकी 5 × 5 = 25, 5 30 में कितने टाइम से आ रहा है, 6 टाइम्स, तो 5 6 सर 30, तो 6 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 2 सर 12, तो अब 25 माइनस 12 इज 30, और नीचे 30, अब देखिए ये वैल्यू हो गई पी की, ये वैल्यू हो गई क्यू की, पी बाय क्यू के फॉर्म में ये है, पी क्यू दोनों इंटीजर्स में आएगा, इसका मतलब लाइन पर आएगा, और क्यू पे जीरो नहीं, इसलिए क्या होगा, रेशियो इसकी अगर एक रेशियो नंबर को माइनस करके दूसरे रेशियो नंबर से तो रिजल्ट जो मिलता है वो भी क्या होता है, वो भी रेशियो होता है, तो ये सबट्रैक्शन का नियम होता है। अब देखिए सबट्रैक्शन में अक्सर दो स्पेलिंग्स होते हैं, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, पहले एस लिखा जाता है सबट्रैक्शन, अब सबट्रैक्शन, तो नॉर्मली कुछ बुक्स में ये मिलता है कुछ बुक्स में ये मिलता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो आपके सबट्रैक्शन जैसे लिखा जाता था तो ये आपके लिखा जाता था, ये है आपके इंग्लिश वर्जन, यहाँ पर क्या है ये अमेरिकन वर्जन हो गया सबट्रैक्शन, तो अब ये सिर्फ यही केवल फर्क है, बाकी सारी चीजें हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर सबट्रैक्ट भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर सबट्रैक्ट भी लिखा रहेगा, तो इसके से कंफ्यूज मत होइएगा, इसके से पहले क्या है इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, तो अभी अब लिखा जाता है ऐसे। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स द प्रोडक्ट विल बी रैशनल नंबर, इसके मतलब दो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का मतलब 2 × 3 कर दें, ये भी मेरे प्रोडक्ट है, तो 2 × 3 कर दिया, ये भी क्या हो गया, तो ये रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर दोनों मल्टीप्लाई करके ये क्या हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर, या फ्रैक्शन की बात कर लें 2/3 ये भी रैशनल नंबर है और 4/7 ये भी रैशनल नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 × 4 = 8 and 3 × 7 = 21, अब ये दो रेशियो का तो मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या हुआ रेशियो, तो ये तीसरा जो है आपके ये रहता है प्रॉपर्टीज, तो रेशियो नंबर की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, दो रेशियो नंबर का ऐड करने पर रेशियो नंबर मिलता है, दो एक रेशियो नंबर को दूसरे रेशियो नंबर से माइनस करने पर भी रेशियो नंबर मिलता है, और दो रेशियो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी रेशियो नंबर ही हमें मिलता है। अब देखिए रेशियो रेशियो नंबर्स सारी चीज क्लियर हो गई मोडेबल, अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस पे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है थ्योरी क्लियर अगर है, थ्योरी अगर क्लियर है आपकी मैथमेटिक्स कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली आप सारी चीज समझ सकते हैं, बस ये कि थ्योरी को क्लियर कर दो, थ्योरी क्लियर है सारी चीज क्लियर है, अब इसमें से आइडेंटिफाई करने को दिया जाएगा कौन सा रैशनल नंबर है, जैसे -3.7 √16 - 5 + 8 3.7 √2 √3 + 7, सपोज को दिया जाए आपसे पहले आइडेंटिफाई रैशनल और इरैशनल नंबर, इसमें से कौन रैशनल है कौन इरैशनल है, इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स, कौन कौन से होंगे और इरैशनल नंबर्स, कौन कौन से होंगे, अब देखिए नेगेटिव डेसिमल हमने पढ़ा था, नेगेटिव डेसिमल क्या होते हैं, सब रैशनल होते हैं, ये क्या है रूट है, रूट में आपको अंदर वाली वैल्यू को देखना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसके मतलब क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर के नियम में वो सब क्या होते हैं रैशनल नंबर, इसलिए रूट 16 आ गया, -5 क्या है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है रैशनल होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फिर +8 जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं ये क्या होते हैं रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं, ये रैशनल होते हैं इसलिए +8 रैशनल हो गया, फिर अंडर रूट 3.7, तो अंडर रूट 3.7 अगर हम पॉइंट हटा भी देते हैं
क्या ये किसी वैल्यूज का किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। इसलिए अब परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल के फॉर्म में चला जाएगा। ये क्या हो गया? 3.7 इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर के साथ नेचुरल नंबर अगर हम जोड़ेंगे ये भी रैशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब ये हमने प्रॉपर्टी क्या करी? प्रॉपर्टी ये करी कि जो आपके एक तरह से वैल्यूज होती हैं वो आपके जब एडिशन हम लोग करते हैं तो एडिशन में तो हम ये कहते हैं कि हाँ रिजल्ट जो है आपके ये है, ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन जब हम एडिशन करके ऐड नहीं हुआ ये, अगर ये दोनों चीजें ऐड हो जाती जैसे 3+7 मिल करके क्या हो गया है? एक आइडेंटिटी बन गया। लेकिन यहाँ पर दोनों ऐड होकर के एक आइडेंटिटी नहीं बन रही है, इसलिए एडिशन के रूल को वायलेट कर रही है। इसके मतलब दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं, ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी 2√3+7। इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे 2√3+7/1 तो ये p / q के फॉर्म में लिखी तो गई, p की वैल्यू ये हो गई, q की वैल्यू ये हो गई, तो इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब क्या ये p की वैल्यू इंटीजर में आएगा? नहीं आएगा। तो p does not belongs to z, इसके मतलब पहले इस कंडीशन की सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर ये मिलकर के एक हो गया होगा तब ये क्या हो जाएगा? तब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकता। तो अब यहाँ पर बस ये है कि मिलकर के एक होने का मतलब ये अब ये थोड़ा सा क्योंकि रैशनल रैशनल और अंदर अंदर तो क्या है जब आप आएंगे हायर क्लास में जैसे 9th 10th 11th 12th में फिर ये आएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी तो बहुत कॉन्साइज में आपको पढ़ा है, बहुत सारी चीज अभी हमने डिस्कस ही नहीं करी, अभी अग्रिंग और जो रीअग्रिंग नंबर्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया। वो क्या होंगे? जैसे डेसिमल होते हैं, कुछ होते हैं आपके इनफिनिट के चेंजेस ले आते हैं, कुछ टर्मिनेट कर जाते हैं, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ये सब अभी आगे चल करके आप नहीं अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उन चीजों को हमें रोकना पड़ा। यहाँ पर क्या है, इसका भी बहुत आपके फाइव रूल में इस्तेमाल होता है, तो इसको भी हम लोग आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली अभी आप अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट हमें मिला है ये रिजल्ट रैशनल नहीं है, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो ये आपके रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 2√3+7 is irrational। तो अब यही क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एडिशन रूल जिसमें लगता है, जैसे मान लीजिए किसी भी दो नंबर पर ऐड किया तीसरा नंबर मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, ये है इरेशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर। तो इरेशनल क्यों है? अगर दो नंबर अगर रूट थ्री नहीं होता, 2+7 होता तब ये नहीं होता, तब हम कहते हैं रैशनल और रैशनल मिलकर के क्या हो गया? एक नंबर बन गया ना। तो अब ये क्या हो गया? दो रैशनल नंबर मिलकर के ऐड होकर के रैशनल हो जाते हैं, यही एडिशन का रूल है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो आप देखेंगे इसमें से ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसको अगर आप डिफाइन करेंगे पी बाय क्यू के फॉर्म में तो आपका डिफाइन नहीं होगा, और ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इरेशनल के साथ रैशनल जुड़ रहा है, इसलिए इरेशनल हो जाता है। तो ये इरेशनल की प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि किसी इरेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल ऐड हो या इरेशनल के साथ रैशनल ऐड हो तो वो इरेशनल नंबर ही रहता है। तो इसी वजह से आपके इस तरह के नंबर जो होंगे वो सब हमेशा क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बस इतनी चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखनी थी, आप थ्योरी अगर ध्यान में रखेंगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान, बस यही क्वेश्चंस आपके आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके कौन रैशनल नंबर है कौन रैशनल नंबर नहीं है। We have provided you sheets, जो भी आपकी प्रैक्टिस शीट्स दी गई हैं इस पर बना करके आपको मिली होगी, और इस पर आप काम कर सकते हैं और इस पर वर्कआउट करिए और कोशिश करिए जिस जितनी बार आप इसको देख सकें उतनी बार आपको क्लियर होगा कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। जब आपको क्लियर हो जाए तब आप एक्सरसाइज पर आइए और